पोपलू उठ जा भाई, पोपलू उठ नहीं रहा, देखो पोपलू मैं तो कैमरे से उठाता हूँ थोड़ा। पोपलू दोस्तों, आपको मैं एक खास चीज बताऊंगा, अगर आपको जैसे आते हो ना तो यहाँ पर जो इधर की साइड है वहाँ पर आपको फ्री में मिलेगा, मतलब आप दान कर सकते हो वैसे आपको, लेकिन फ्री में आपको चाय प्रसाद। और मैं आपको अपना, और मैं आपको एक पर्सनल अपना वो बताना चाहता हूँ कि जो चाय है यहाँ की, इधर आके बता, जो चाय है मैंने अब तक पूरे रस्ते में, ट्रेन में, कहीं भी, अपने घर तक में भी इतनी अच्छी चाय नहीं पी जो मैंने यहाँ पर आके चाय पी है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बोला गया है बैटरी लो रही है भाई, मेरी बैटरी लो रही है, इस पे लिखा गया है कि निःशुल्क है, लेकिन आप दान करना चाहे तो कर सकते हो। और यहाँ पर अब मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, अब वो तो बात होगी फ्री की, मुझे पता है फ्री की पब्लिक बहुत ज़्यादा है। ये देखो क्या व्यू है, देख रहे हो ना आप। चलो फिर मैं आगे जा रहा हूँ, अब आगे जाके देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं नहा चुका हूँ, इधर देखो ये नहाने का दे रखा है, इधर की साइड आप आओगे तो इधर नहाने का पूरा सिस्टम दे रखा है। और आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज़, बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर देखोगे, बिल्कुल कोने पे, अभी भी मैं नहा के आया बिल्कुल। रात में मैं सोच रहा था कि आपको आते टाइम भी अपना व्यू दिखाता वहाँ का, पूरा जो है रात में पूरा अंधेरे में कैसे अच्छा लगता है, लेकिन हुआ ऐसा कि वहाँ पर इतनी तूफान बारिश आई कि हम वापस आके, वही बहुत बहुत बड़ी बात है, अगर मैं वापस नहीं आता ना आपको ये ब्लॉग मिलता, मतलब ब्लॉग तो मैं बाद में डालूंगा लेकिन अगर हम वापस नहीं आते ना तो शायद ये ब्लॉग आपको मिल पाता, मेरा आखिरी ब्लॉग होता, आखिरी क्या फर्स्ट ही और आखिरी होता। कैसे क्या बोल रहा है, बची गए हम फिर, अभी हम फिर सुबह बोल जय माता दी, जय माता दी। फिर सुबह हम आए, 5 बज गए थे हमें आते आते, फिर हम सो गए, इतनी हालत खराब हो गई थी, हमारा मेरा मन था वीडियो बनाने का, फिर ना उसका था, ये भी हालत देख रहे, चलने की हालत देख रहे थी। फिर इसके बाद फिर हमने सोचा कि थोड़ा सो लें, फिर हम सो गए, फिर उसके सोने के बाद फिर हम उठे हैं, अब कितने 11 बज रहे हैं ना, 11 बजने के बाद फिर हम जाके उठे हैं, फिर हम सोच रहे थोड़ा बहुत खाना वाना ले आए, अभी नहाए भी नहीं है देख रहे हो, तब सोच रहा था मैं नहा लूँ आराम से, फिर सोच रहा पहले खाना खा लूँ उसके बाद नहा लूँ। ये पोपलू को देख लो, पोपलू ऐसे चल रहा, देख रहे हालत देख रहे पोपलू की, हाँ हाँ वो वाला पोपलू, क्या नाम है, हर्ष वैनीवाल वाला, लेकिन मैं सोंटी पोंटी नहीं हूँ, मैं कुछ और नाम डिसाइड कर रहा हूँ अपना। अब देख लो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, पूरा देख रहे हो गए आप, कल मैंने आपको हेलीपैड दिखाया ही था, वहाँ पर पूरा देखो नदी वदी टाइप का है। फिर यहाँ के जीने देखोगे, जीने देखो आपको आवाज ही सुनाई दे रही होगी, फिर ऊपर ही है आपको सीढ़ी, ये देखो बारिश आप सीढ़ी भी नहीं चल जा रहा, रुक जा पोपलू रुक जा भाई, सांसें फूल रही है। अब हम जा रहे हैं वहीं पर जो मैंने कल दिखाया था हेलीपैड के पास, खाना पैक कराने, अगर कभी बाई चांस आते हो आप तो पता नहीं यहाँ रुकोगे नहीं रुकोगे, हेलीपैड के पास जब सामने हम रुके हुए हैं, वहाँ पर खाना भी आपको बेहतरीन मिला है एक जगह, बाकी वहाँ पर दिखा हुआ देख रहे हो आप, और देखो हेलीपैड देख रहे हो वहाँ पर, और फिर थोड़ा सा राइट जाके ना, क्या नाम है उसका जो ढाबे वाले का, देखिएगा वैसे तो जय माता फूड लिखा हुआ है, तो वहाँ पर जो है खाना इतना बेहतरीन, मैंने तो कड़ी ली थी और राजमा चावल लिया था और रोटी वोटी ये सब ली थी, दोनों बढ़िया, लेकिन दोनों रोटी भी अच्छी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम ढाबे में जैसे दिल्ली में कभी खाते हैं तो कैसा मिलता है, यहाँ उससे भी अच्छा। देखो पोपलू रुक जा, आपको पहले मैं साइड हो जाऊँगा, रोड में एक्सीडेंट हो जाएगा, ब्लॉग भी नहीं मिल पाएगा आप लोग। ये देखो यहाँ पर ये रहा हेलीपैड, पीछे दिख रहा होगा आपको, और ये है देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये है ढाबा जहाँ पर बेहतरीन खाना मिला था मुझे कल, तो इसी लालच के मारे फिर मैं दोबारा आ गया हूँ सुबह, क्योंकि क्या पता और अच्छा मिल जाए इस आज। तो अब मैं खाना पैक कराता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊँ क्या क्या पैक कराया है, ये करता हूँ मैं। पोपलू एक नंबर खाना है, शुद्ध देसी खाना, खाना आपको अगर देखोगे ना, और पहले खा चुके हैं हम, सुन लो दोबारा दूसरी बार आ रहे हैं दोबारा, और हम कहीं और नहीं गए खाना लेने के लिए, इसी के पास है क्योंकि एक नंबर का टेस्ट। मेरे को तो यहाँ नारियल पानी भी दे रहे हैं, थोड़ा वोटा भी दे रहे हैं, तो
अब आपको दिखाता हूँ, देखो फिर दोबारा खतरनाक वाली चिड़ी खाई है, खाई बिल्कुल। देखो पोपलू से चलने जा रहा है। ओ, 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 भाई साहब बच गया। मुझे एक सांप भी दिखा था, वो आपको मैं दिखाता, लेकिन उससे पहले वो शर्मा के भाग गया। चलो फिर मैं उसके बाद अब खाना वाना खा लूं, जब तक मैं आपको थोड़ा सा और व्यू दिखा दूं। देखो आप, देख रहे हो बिल्कुल पहाड़ वहाड़ पे भी है, एक नंबर का व्यू। भाई पहाड़ देख के वो लगता है कि हाँ हमने पहाड़ बहुत चढ़ाई करी है, बिल्कुल चोटी पे पहुंच गए थे, बिल्कुल चोटी पे। अगर आप वैष्णो देवी मंदिर आए होगे तो आपको तो पता ही होगा, जो नहीं आए तो उनको पता चल जाएगा। अगर आओगे तो ये मत सोचो कि वैष्णो माता जी बुलाएंगी, यार खुद आ जाओ, वो कहते हैं विजिटिंग कार्ड थोड़ी ना भेजेंगे, हम भी खुद ही आए हैं। अब देखो हम नीचे जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं है, तो अब हम जा रहे हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर उसके बाद नहाऊंगा। नहाने के बाद फिर मैं जब जाता हूँ उसके बाद फिर अगला नेक्स्ट जो होगा वो बनाऊंगा। तो ओके खाना वाना खा लेते हैं। क्या बना रहा हूँ मैं? मेरे को खिचड़ी तो बनानी, तेरा ब्लॉग ही बना रहा हूँ ना। हाँ तो चलो ओके फिर आता हूँ। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं, रेलवे स्टेशन से हम जाने वाले हैं, अब दिल्ली जाएंगे। अब इस टाइम देखो, इस टाइम व्यू कितना अच्छा हुआ है, बिल्कुल धूप निकली पड़ी है और ये मौसम देखो, पहाड़ जिससे हम चढ़े थे कल, वाह। पोपलू उधर उधर घूम रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ, आ ही नहीं रहा, इधर चला नहीं जा रहा इससे। देखो क्या पीछे वहां पर है, कहाँ गया वो, रेलवे। हाँ बोरा देखो, इधर 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 बोरा रेलवे स्टेशन, यहाँ से हम जाएंगे दिल्ली और फिर वहाँ पहुँचने के बाद मैं बनाऊँगा आपके लिए वीडियो। देख रहा बादल देख रहा है, क्या मस्त हो रहा है। चला गए फटाफटा, हम जा रहे हैं बाहर से, खाना वाना पैक कराएंगे, खाना वाना ट्रेन के लिए खाना वाना पैक करेंगे। क्या क्या पैक कराने का सोच रहा भाई? एक तो मटर पनीर कर लेंगे, ठीक है, बटर रोटी कर लेंगे, ये देखो पोपलू भी अपने फोन से खींच रहा है फोटो वोटो। तो मैं या तो ट्रेन में बनाऊंगा या तो फिर दिल्ली पहुंच के डायरेक्ट बनाऊंगा। ओके यहाँ से हम ट्रेन के लिए खाना पैक करवा रहे हैं, जो मतलब ट्रेन में खाने के लिए सोचा कि खाना यहीं से पहले ही बाहर पैक करा लें, क्योंकि ट्रेन में अच्छा खाना नहीं मिलता। ओके बाय बाय, जय माता दी।